कार्यकर्ता भारतीय किसान यूनियन टिकैत। मैं उस संगठन का कार्यकर्ता हूं जिस संगठन ने हमेशा से ही किसानों के लिए बड़े बड़े आंदोलन किए हैं और इस कोरोना की महामारी के संकट में भी आंदोलन चल रहे हैं, भले ही वो सोशल मीडिया के द्वारा चल रहे हैं। जैसे आज भी किसान हैशटैग को लेकर ट्विटर पर पूरे देश में नंबर वन पर किसानों की आवाज़ रही, पर राज्य सरकार केंद्र सरकार किसान की पूरी तरीके से अनदेखी कर रही है। इस संकट की घड़ी में भी किसान की फसलें बर्बाद हो गई, ओलावृष्टि से बारिश से चना अनाज बिल्कुल बेकार ख़त्म हो गया, खेतों में काला पड़ गया और सब्जियां फूल ये भी खेतों में किसानों को जोतने पड़ गए। लेकिन सरकार तो हमेशा ही उद्योगपतियों के बारे में सोचती आई है, जैसे अभी भी 68,000 करोड़ का कर्जा उनका माफ़ कर दिया और किसानों को बारे में कुछ भी नहीं सोचा। लेकिन भारतीय किसान यूनियन हमेशा ही किसानों के लिए आवाज़ उठाती रही है और अभी कुछ दिन पहले भी सोशल मीडिया पर आंदोलन किया था जिसमें 1.5 लाख करोड़ की पैकेज की मांग की गई थी किसानों के लिए। तो इस वक्त भारतीय किसान यूनियन सोशल मीडिया के द्वारा ही सरकारों को जगा रहा है, क्योंकि इसमें डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए घर पर रह के ही आंदोलन चल रहा है। इसमें आदमी इकट्ठा नहीं हो सकते क्योंकि ये बीमारी ऐसी है। और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत जी ने एक नारा भी दिया था, घर रहो चुप मत रहो। तो उस नारे को देखते हुए पूरी भारतीय किसान यूनियन बड़े स्तर पर सोशल मीडिया के द्वारा आंदोलन कर रही है, जो आगे भी चलते रहेंगे और अपनी मांगे सरकारों तक पहुंचाते रहेंगे। इसमें केंद्र सरकार राज्य सरकार किसानों के लिए कुछ ना कुछ करे, नहीं तो किसान भूखमरी के कगार पर बढ़ता ही जा रहा है। और जब ये लॉकडाउन खुलेगा उसमें बड़े स्तर पर आंदोलन होंगे जिसको सरकारें झेल नहीं पाएगी, क्योंकि हर एक कार्यकर्ता बड़े जोश खरोश में है जिसका खामियाजा सरकारों को भुगतना पड़ेगा। सरकार अपनी मांगे मनवा कर रहे नहीं। जय जवान, जय किसान, जय भारत।